आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 30वां भाग लेके आ रहे हैं और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं, ये 30वां भाग है और इसके जो पहले वाले पार्ट है उनको आप प्लेलिस्ट में या फिर उस एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन का उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना होगा। पहला है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से है और यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है केवल 2 सेकंड में। ये हुआ था 1874 में, साम्यवादी के बारे में पूछा गया है। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। देखिए संस्थापक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था तो उदयन था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था तो ये था धर्मपाल। अगला है कि मैमथ पूर्वज हैं किसके। देखिए मैमथ एक प्रजाति है तो ये किसके पूर्वज है, क्या घोड़ों के पूर्वज को मैमथ बोला जाता है या फिर आदमानों को, कुत्तों को या फिर हाथी को। तो जो हाथियों के पूर्वज है उनको बोला जाता है मैमथ। अगला है कि पानीपत का तीसरा एवं अंतिम युद्ध कब हुआ था। तीसरा एवं अंतिम युद्ध, देखिए पानीपत में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, जो पहला युद्ध है जो कि हुआ था 1526 में, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। देखिए उस समय लोदी राजवंश चल रहा था और भारत में जो राणा संगा था उसी ने इब्राहिम बाबर को भारत में बुलाया, और बाबर को भारत में बुलाने के पीछे राणा संगा का मकसद ये था कि जब बाबर आएगा तो इब्राहिम लोदी को हरा देगा, और जब इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो बाबर यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात लेगा और फिर से चला जाएगा अफगान। लेकिन जब बाबर पहली बार यहाँ पे भारत आया 1526 में, और जब ये इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ा और जीत गया, तब यहाँ की धन संपदा को देख करके बाबर का मन बदल गया। जब बाबर का मन बदल गया और जब राणा संगा ने बाबर से कहा कि ठीक है अब आप युद्ध जीत गए अब आप जाइए, तो बाबर डायरेक्ट मना कर देता है और उसके बाद राणा संगा से भी युद्ध होता है। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े 1526, 27, 28 और 29 तथा 30 में बीमारी के कारण बाबर के मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध होता है 1556, ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, नाम याद रखिए। और जो तीसरा युद्ध है इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये है 1761। अगला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट ये हुई थी 1871 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। देखिए आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, तो जब सिकंदर भारत में आया था तो यहाँ पे एक राजा से युद्ध हुआ उसका, और ये था पोरस। जब पोरस से युद्ध हुआ तो पोरस को सिकंदर ने हरा दिया। पोरस को भले ही सिकंदर ने हरा दिया लेकिन पोरस की महानता से खुश होकर सिकंदर फिर से उनका राज उनको दे दिया। फिर सिकंदर सोचा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सिकंदर की सेना थी उसने साफ आगे बढ़ने से मना कर दिया। कई कारण थे, पहला कारण ये था कि वह उसकी सेना सुन रखी थी कि भारत में जो राजा होते हैं उनके पास हाथियाँ होती हैं। अब उनके सेना में हाथियाँ थी नहीं, वो तो केवल घुड़सवार थे, तो इन लोगों को डर था कि जब हाथियाँ होंगी तो एक अकेले हाथी 10 घोड़ों पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा और भी कई कारण थे, केवल हाथियों वाला कारण ही नहीं था, और कई कारण ये थे कि यहाँ का जो मौसम था उनके जैसा नहीं था, क्योंकि वो ग्रीक थे, मतलब ग्रीक के थे, तो इस मौसम की मार को वो झेल नहीं पाए और सिकंदर यहाँ से चला गया वापस। जब सिकंदर यहाँ से वापस चला गया तो एक उनके जगह पे उनका एक सेनापति था सेलुकस। सेलुकस को ये लगा कि जो काम सिकंदर ने नहीं किया वो हम करेंगे, और सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पे हमला बोल दिया। जब सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य पे हमला बोल देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस में युद्ध होगा और जो सेलुकस है हार जाता है।
हारने के बाद जो सेलुकस की एक बेटी थी उसका शादी किया गया चंद्रगुप्त मौर्य से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सेलुकस। अगला है कि सात पेगोडा नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर का नाम बताइए, यह आपके ऑप्शन है। 2 से 3 सेकंड मिल रहा है आपको, इसलिए अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। यह है पल्लव। पल्लव दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन है? दिव्य जीवन संघ, यह है स्वामी शिवानंद। अगला है कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था इनमें से? जैसे जब वैदिक काल में बात होती है तो वहाँ पे जो सामाजिक विभाजन किया गया ये व्यवसाय पे किया गया, मतलब उनका क्या व्यवसाय है तो उस आधार पे इनका विभाजन किया गया। अगला है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? देखिए, सिकंदर जब भारत में आक्रमण करता है करीब करीब 326 में, तो उस समय मगध पे नंद वंश का शासक था। नंद वंश में जो घनानंद था ये रूल कर रहा था। उसी समय घनानंद को उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसी समय सिकंदर जो था भारत से वापस लौट रहा था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नंद वंश। अगला है कि फ्रांस में किस शासक के वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? वियना संधि के बाद किसकी स्थापना की गई फ्रांस में? यह है बुर्बो वंश। बुर्बो वंश। गैरिबाल्डी पेशे से क्या हैं? गैरिबाल्डी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये क्या हैं? क्या ये सिपाही हैं या फिर किसान या फिर नाविक? ये थे नाविक जो समुद्र यात्रा करते थे। गैरिबाल्डी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी। 2 से 3 सेकेंड। ये है एबजेनर हावर्ड। एबजेनर हावर्ड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन है जो कि नेता थे? यह है महेंद्र सिंह टिकैत। अगला है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो फ्रांस में क्रांति हुई आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे जो रूल कर रहे थे राजा वो एकदम बिल्कुल निरंकुश हो गए थे। निरंकुश का मतलब कि मनमानी, और यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति होती है। अगला है कि बीरबल का असली नाम क्या था? देखिए, बीरबल का नाम कुछ और था, लेकिन उनके चलाकी के चलते उनकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर जब अकबर उनको अपने दरबार में रखता है जब पहली बार, तो वहीं पे बीरबल ने अकबर ने बीरबल का नामकरण किया, तब जाके इनको बीरबल नाम मिला। पहले इनका नाम था महेश दास। अगला है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला है कि भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? खरोष्ठी लिपि को, देवनागरी खरोष्ठी, तो ये किया गया था यूरानियों के द्वारा। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? जो स्वर्ण मंदिर आप सुनते हैं ये किस धर्म का मंदिर है? क्या यह बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है या फिर सिख का है? ये पंजाब में है और यह है सिख का। अगला है कि निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? राजवंशी, ये था एंग्लो। एंग्लो। अगला है कि किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की? मतलब इसमें से क्या आया? तो कपास का जो व्यवसाय था ये बढ़ गया। ये था फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल। अगला है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ये था ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ऑस्ट्रिया का। अगला है कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसका कथन था? यह एक महान बुद्धिमान इनको माना जाता है और यह है कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, प्रधानमंत्री थे। भारत अरब नहीं है और इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? ये था इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का शासक था और इसने रूल किया था 1210 से 1236 तक। इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? ये था पूंजीपति वर्ग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, यहाँ पे आप फ्री PDF पा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको 250 क्वेश्चन एक ही जगह चाहिए या फिर 1000 क्वेश्चन अगर आप एक ही जगह चाहते हैं, उसके लिए आपको पेड पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टेस्ट दे पाएंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।